Hello everyone, hope you all are doing well. So today we will start our next topic, that is energy. So talking about energy, energy is an intrinsic property. What is intrinsic property? That don't have ability to move forward or cannot be further divided is called intrinsic property. So energy is an intrinsic property. Talking about extrinsic property, in extrinsic property have ability to move forward or to divide it further. Talking about the definition of energy, ability to work, to do work is called energy. कोई भी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी काम कर रहे हों और उसके अंदर हमें ज़रूरत हो कोई चीज़ पुश करने की या पुल करने की, तो उसे हम एनर्जी कहते हैं. इट कैन नॉट बी मेक और नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हेयर इन दिस डेफिनेशन इट सेज दैट एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना तबाह कर सकते हैं. मीन्स दैट वी कैन नॉट मेक और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम अगर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो ना एनर्जी उसी सूरत में बन रही है, और अगर हम नहीं लगा रहे तो तबाह हो रही है. उसके अलावा हम ना इसको खुद बना सकते हैं और ना तबाह कर सकते हैं. दीज आर टू मैन पॉइंट्स. ओके, सो आफ्टर दैट देर आर द मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइक केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड विंड एनर्जी. बट इन दिस वन वी विल जस्ट टॉक अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बट now what we will do, that we will just talking about kinetic energy, that what actual kinetic energy is. Okay, so let's move further. In kinetic energy is produced or happen when anything is in motion. Okay, like let's see, here's an electron, it's in a motion. Okay, here's a nucleus. Okay, it's in a motion. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है न्यूक्लियस की, सही है, तो वो मोशन में है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी. सो इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ओके, आफ्टर दैट हेयर इज सेइंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी मोशन में है तो उसका मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है. लाइक उसका मास भी है m और उसकी वेलोसिटी भी है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के. और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? 1/2 mv². अब m तो हमें हाफ तो समझ आता है कि हाफ ऑफ द सर्कल और मोशन इज इन हाफ. आफ्टर दैन मास जो है वो एक ही है हमारे पास उस मोशन का, बट वेलोसिटी पे हमने स्क्वायर इसलिए लगाया कि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vi एंड vf. ओके, सो दैट्स व्हाई वी पुट v² ओवर हियर. टॉकिंग अबाउट द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी SI यूनिट वी विल डराइव फ्रॉम इट्स यूनिट, दैट इज वी हैव यूज हियर इज इक्वल टू 1/2 mv². ओके, सो 1/2 डोंट हैव डायमेंशन बिकॉज ये एक वेरिएबल है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. ओके, ना ही इसका कोई यूनिट है. आफ्टर दैट हमारे पास है mv², मास का यूनिट है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड. और इसके बाद हमने जो इसके ऊपर स्क्वायर्स लगाए हैं वो इस चीज़ के लगाए हैं कि वेलोसिटी पर भी स्क्वायर है. ओके, आफ्टर दैट हमने इसको डिराइव किया, किलो मीटर को हमने दो बार लिख दिया, देन विल मल्टीप्लाई अगेन इट्स मीटर स्क्वायर. ओके, आफ्टर दैट किलोग्राम मीटर, दिस वन वेट जस्ट, यस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? न्यूटन के. और हमारे पास मीटर रिमेनिंग रह गया तो हमने मीटर वैसे ही लिख दिया, तो न्यूटन मीटर जो है वो किसके बराबर है? जूल के. न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल. सो इट मीन्स इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल. ओके, आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट इट्स डायमेंशन,
इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो इसके डायमेंशन फाइंड करना भी हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे यूनिट है दैट वो है हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम जो है वो किसका ऐसा यूनिट है, वो ऐसा यूनिट है मास का, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया एम। मीटर स्क्वायर, मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो हमने लिख दिया एल स्क्वायर। अब सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट है टाइम का, सही है। अब टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी टी पावर माइनस टू में। सो द ऐसे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एम एल टू टी पावर माइनस टू। ओके, अब हमारे पास एक मेन टॉपिक आ रहा है जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये कह रहा है, इक्वेशन कह रही है कि वर्क जो है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये प्रूव करना है कि वर्क जो है वो कैसे बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हम जब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी फाइंड करते हैं एक फाइनल में और एक इनिशियल में, तो हम लिखते हैं वी एफ माइनस वी आर। तो ऐसे ही सेम इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, और नीचे ये जो रेड मैंने इसे हाईलाइट किया है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया जो हमारे पास था 1/2 mv² ओके। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 mv² फाइनल एंड 1/2 mv² इनिशियल, बोथ विल माइनस और हमारे पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हमें मेन चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो ये चीज़ याद रखनी है, वो हमने ये चीज़ याद रखनी है जो इसका एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ओके, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ लिखा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये हमने इक्वेशन पुट की, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ 2As इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। ओके, इसके अंदर क्या है कि हमने इस इक्वेशन से इस वाले फार्मूला को, इस वाली इक्वेशन को प्रूफ किया। अब हमें पता था कि F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स जो बराबर होता है वो है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे इस 2As में। तो हमने क्या किया कि ए की जगह एफ अपॉन एम लिख दिया। ओके, एंड बाकी सब हमने सेम रहने दिया। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब 2 उस तरफ गया तो डिवाइड हुआ, हमने लिख दिया 1/2। मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने लिख दिया एम मल्टीप्लाई। अब बाकी ये वाली वैल्यू हमने सेम एज इट इज़ लिख दी, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सिंपल एक मेथड किया कि जो 1/2 मल्टीप्लाई एम उस तरफ से आया था, हमने इसको वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमने गेन किया 1/2 mv² एफ माइनस 1/2 mv² आई, दैट इज़ फाइनल एंड इनिशियल। अब मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो हमने इस वैल्यू की जगह लिख दिया वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया कि वर्क जो बराबर है वो किसके है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये था हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।